तू है कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। 11 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है। लग रही हो तुम, बहुत प्यार करने को जी चाह रहा तुम्हें। अब नो एंट्री में एंट्री होगी सलमान खान की अगली फिल्म। डायरेक्टर अनीस बज्मी ने किया अनाउंस। तकरीबन 17 साल के बाद बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हाल ही में यह खबर आई है कि सलमान खान की फिल्म नो एंट्री के सिक्वल पर काम शुरू होने वाला है। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनीस बज्मी ने यह खुलासा किया है कि वो नो एंट्री के पार्ट 2 पर काम करेंगे। उनके निर्देशन में एक बार फिर सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई, वैसे ही सलमान खान के फैंस खुश हो गए हैं, क्योंकि दर्शकों को लंबे समय से इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार था। नो एंट्री का दूसरा पार्ट जी स्टूडियो के बैनर तले बनेगा। अनीस बज्मी ने मीडिया से बात करते हुए यह खुलासा किया कि बुलबुलैया 2 के बाद उनका अगला प्रोजेक्ट नो एंट्री 2 है। उन्होंने कहा कि मेरी अगली फिल्म नो एंट्री में एंट्री है। मैं हाल ही में सलमान भाई से मिला था और उन्होंने मुझे इस फिल्म पर काम करने के लिए कहा है। हमारी मुलाकात इस फिल्म के नरेशन के लिए हुई थी और उन्हें स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई। नो एंट्री में एंट्री पर काम चल रहा है। 50 फिल्में लिखने के बाद अब मेरा लक्ष्य है कि मैं अच्छा काम करूं और आगे चलकर अच्छी फिल्में बनाऊं। दर्शकों के लिए नो एंट्री में एंट्री एक बेहतरीन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। वर्ष 2005 में फिल्म नो एंट्री रिलीज हुई थी, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। उस फिल्म को देखने के बाद लोग दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जब अनीस बज्मी से पूछा गया कि सलमान खान के ऊपर इस फिल्म को लेकर क्यों प्रेशर है, तो उन्होंने बताया कि सलमान भाई को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, बॉनी जी को भी स्क्रिप्ट अच्छी लगी है। हमें इसका आइडिया बहुत पहले से था, लेकिन इसे स्क्रीन प्ले पर नहीं उतार सके। यह भी एक कारण है कि पार्ट 2 के लिए इतना समय क्यों लग गया, लेकिन अब यह हो रहा है। यह डबल रोल कॉमेडी होने वाली है। सलमान खान को नए एंट्री में देखने के लिए आप कितने उत्सुक है हमें जरूर बताएं। भाई साथ में एक फोटो।